बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि एटम क्या है, एटम का साइज क्या होता है, एटम के बारे में साइंटिफिकली थ्योरीज क्या हैं, जैसे कि डेमोक्रेटस के बारे में उसने क्या कहा है, डेल्टन ने क्या कहा है, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। और फिर इसके बाद मजीद जो 5 साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने क्या कहा था, और वो बात अब तक चली थी आ रही है। तो बहरहाल हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू है, लेकिन आज जो हमारा जो कंसंट्रेशन होगी वो किस पर होगी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह हुई है, प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेस यानी कैथोड रेस किस तरीके से पैदा हुई है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन लेक्चर दोबारा पीछे से ही लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको मैंने बताया था कि 5 हमने कुछ केमिस्ट पढ़े थे, 5 केमिस्ट के नाम पढ़े थे, क्या क्या, रदरफोर्ड, मोस्ले, चैडविक और साथ ही नील बोर्स और साथ ही आपके पास थे जे.जे. थॉमसन। इन ये 5 और इसके अलावा मजीद ये तो 5 बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं। तो बहरहाल इन्होंने क्या कहा था आपको मालूम है कि एटम क्या है, एटम इट्सेल्फ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एटम के पास एक अजीब सा पेचीदा स्ट्रक्चर होता है जो कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं कहलाता, जो मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया भी था, ठीक। तो बहरहाल उन 5 केमिस्ट ने हमें क्या बताया, हमें ये बताया कि एटम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया भी था। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया था आपको कि एटम खुद कुछ चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम से भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। और वो क्या है, उनके अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, मैंने बताया भी था आपको, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसीलिए हम बहस बीसी पर करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो बहरहाल हम अपने टॉपिक का नाम लिखते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपको पता है कि हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह पता लगा हमें, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाम तो किसी और ने दिया है, आज हम नाम के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ और सिर्फ हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कवरी इसकी पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई है। और साथ ही जो असल में जो हमारा टॉपिक होना चाहिए वो कुछ ही होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेस, ठीक है, कि कैथोड रेस होंगी तब आपके पास खुद बखुद पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेस। तो बहरहाल आज हम पढ़ने वाले हैं कैथोड रेस के बारे में, कि कैथोड रेस क्या होती है, कि आपके सामने जो मैंने केमिस्ट के नाम दिए हैं उन्होंने क्या बताया था आपको, कि जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, ये तो एक थ्योरी है ना, अब हमने इसे प्रूफ भी करना है। तो बहरहाल एक केमिस्ट हैं जिन्होंने इस बात को प्रूफ किया है कि वाकई ही एटम क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई, अब उनमें सबसे पहले नाम किसका आता है, इलेक्ट्रॉन का नाम आता है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बहरहाल सबसे पहले इंडिकेशन किसने की, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, द फर्स्ट इंडिकेशन किसने की भैया, तो इंडिकेशन सबसे पहले की है जूलियस प्लकर ने, ठीक है, किसने की है, जूलियस प्लकर ने की, नाम भी अच्छा, और कब की है, 1859 के अंदर, 1850 यानी जो 5 केमिस्ट ने जो बात की थी उसकी सबसे पहले इंडिकेशन की है जूलियस प्लकर ने 1859 के अंदर, कि वाकई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन्होंने तो बस एक ही बात की, किसके बारे में बात की, इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की है, कि इलेक्ट्रॉन की, कि भाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है, यानी इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल के हैसियत से एटम के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिकेशन किसने की, तो आपको नाम पता होना चाहिए, जूलियस प्लकर ने की है 1859 के अंदर की, और किसकी की है, इलेक्ट्रॉन के बारे में की है, किस तरह की है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम आपने देखनी है, अच्छी तरह से समझनी है, और मैं आपको पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको क्या ले लिया, एक ग्लास ट्यूब ले ली, एक सिलेंड्रिकल आप समझते हैं, जिसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस हो, कितने एक्सिस हो उसके अंदर, जिसके अंदर एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो, तो सॉरी वाई एक्सिस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल, ठीक है ना। और गिलास यानी शीशे की थी, तो इन्होंने क्या लिया, एक सिलेंड्रिकल गिलास ट्यूब ली, ठीक है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड भी दिए गए थे। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जिसको आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड भी थे। अब इन्होंने क्या किया, एक हाई वोल्टेज की बैटरी ली, और साथ ही इन्होंने एक क्या लिया, गैस यानी जो सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब थी उसके अंदर प्रेशर भी मौजूद था। जैसे कि आप, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, कि अगर आपके पास कोई पानी की बोतल हो, कुछ खाली बोतल हो, अगर आप ऊपर से इसको क्या कर दें, पुल जो आपके पास जो ढक्कन जो दिया हुआ था, टैप जो दिया हुआ था, उससे आप क्या कर दें, उसको बंद कर दें, तो उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसका खोलते जाएं, यानी टैप को, जैसे ही आप ढक्कन को खोलते जाएंगे कैप को, तो क्या होता जाएगा, उसके अंदर से प्रेशर कम होता जाएगा, है कि नहीं है, आप फिर उसको दबाना भी आसान हो जाएगा आपके लिए। जबकि अगर बंद हो, कैप बंद हो, तो आपके लिए खोलना मुश्किल, मैं आपको दबाना भी बहुत मुश्किल आता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बहरहाल इन्होंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर इलेक्ट्रोड भी मौजूद थे, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा, और साथ में कुछ क्या लगा हुआ था, नीचे एक टैप लगा हुआ था। अब टैप तो कनेक्ट किया हुआ था, अब टैप का फायदा क्या है, टैप के जरिए से, जैसे टैप अगर बंद होगा तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। अब टैप को आप खोलते जाएंगे तो क्या होगा, हवा यानी क्या होता जाएगा, एयर निकलती जाएगी, और उसका प्रेशर क्या होता जाएगा, एयर प्रेशर कम होता जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने इसकी मदद से क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, और प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेस किया था। मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, आप देखते रहिए इसको, प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेस, ठीक है। अब हम इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे अब इसको, और अच्छी तरीके से डायग्राम भी आपने भी सीखनी है और आसान है, प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेस। अच्छा जी, अब बात क्या हुई, इन्होंने प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेस के अंदर, जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब ली थी, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये देख लीजिए आप, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब आ गई।
अच्छा अब इसके अंदर इसका भी साइज होना चाहिए, उन्होंने जो साइज दिया था उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये क्या थी, ये 4 सेंटीमीटर क्या थी भैया, ये चौड़ी थी, 4 सेंटीमीटर तक ये चौड़ी थी और 30 सेंटीमीटर क्या थी इसकी लेंथ थी, ये उन्होंने जो बात की थी। अभी तो फिलहाल हम इसको समझना चाह रहे हैं। अच्छा और यहाँ पर क्या लगा हुआ, यहाँ पर एक टेप लगा हुआ, यानी कि समझ लें आप ढक्कन लगा हुआ है, कैप लगा हुआ, सही है। अच्छा जी और ये क्या हो, जब तक ढक्कन बंद होगा यानी कैप जब तक बंद होगा तो आपको पता है यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। लेकिन यहाँ पर प्रेशर कितने प्रेशर के अंदर ये काम हुआ ये मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। और साथ ही आपको मैंने बताया कि जो सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब थी इसके अंदर आपको क्या दिए गए थे, इलेक्ट्रोड भी आपको प्रोवाइड थे, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रोड के दो किस्में होती हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड की क्या होती हैं, दो किस्में होती हैं कि एक होता है आपके पास कैथोड और एक होता है आपके पास एनोड। कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी अब ये क्या है, एक इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड आ गए आपके पास, ठीक है, एक इसमें से कैथोड होगा एक होगा एनोड। अब कैथोड क्या होगा, एनोड क्या होगा, वो इलेक्ट्रोड जो जाकर नेगेटिव टर्मिनल से अगर जुड़ जाए, जैसे मैं यहाँ पर एक बैटरी बना देता हूँ, बैटरी भी होना जरूरी है और बैटरी तो इसके अंदर इंतहाई जरूरी है, ठीक है ना, बैटरी का होना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। अच्छा जी ठीक है, ये आ गया आपके पास कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सिलेंड्रिकल गिलास ट्यूब आ गई, मैं इसका नाम भी लिखता हूँ सिलेंड्रिकल गिलास ट्यूब, ठीक है। लेकिन इसका नाम असल में क्या है, ये तो आपको इस तरह नजर आ रही है ना, गिलास ट्यूब है कि नहीं है, ट्यूब फॉर्म है इसकी, गिलास भी है सिलेंड्रिकल भी है, क्योंकि सिलेंड्रिकल क्या क्या होता है मैंने बताया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल है। अच्छा लेकिन इसका सही नाम क्या है, इसका सही नाम है जिसके नाम से ये मशहूर है, वो नाम है इसका डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नाम है इसका, इसी के नाम से आपको इसका हर जगह पर पिक्चर मिल भी जाएगी, ठीक है ना, डिस्चार्ज ट्यूब आपके पास, यह है असल में क्या, डिस्चार्ज ट्यूब इसका सही नाम है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि ये आपके पास एक हो गया कैथोड एक हो गया एनोड, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा ही काम है, तो इसलिए आपने हर हर चीज़ को याद रखना है। अच्छा जी अब यहाँ पर हुआ क्या कि बैटरी के अंदर उन्होंने एक हाई वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बैटरी जो आप देख रहे हैं इन्होंने यहाँ पर अप्लाई कितना वोल्टेज किया था, 10,000 वोल्ट इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया था, ठीक है ना, बैटरी का तो वोल्टेज आपकी मर्जी होती है, तो इन्होंने यहाँ पर 10,000 वोल्ट अप्लाई किया था। और ये वोल्टेज यूँ भी बताया जाता है कि 5,000 से लेकर 10,000, लेकिन जो नॉर्मली आप देखेंगे तो आपको हर जगह पर तकरीबन यही मिलेगा कि 10,000 वोल्ट इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया। अच्छा तो आपको इसके बारे में तो तकरीबन पता लग गया होगा कि आपके पास सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब आ गई, आपके पास एक आ गया कैथोड एक आ गया एनोड। कैथोड क्यों इसका नाम है, इसलिए कि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी से अटैच हुआ है जिसका नाम है कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी से अटैच हुआ उसका नाम है क्या, एनोड। और यहाँ पर आपके सामने रखी है बैटरी। अच्छा अब बैटरी पर उन्होंने कौन सा कितना वोल्टेज अप्लाई किया था, बैटरी पर उन्होंने 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया था, और कुछ जगह पर यूं भी बताया जाएगा आपको कि 5,000 से लेकर 10,000 तक, लेकिन सही तौर पर ये बताया जाए तो फिर 10,000 वोल्ट ही होता, ठीक है ना। अच्छा इसके अंदर तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वोल्टेज याद रखना जरूरी है कि 10,000 वोल्ट ये काफी हाई वोल्टेज है, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पर आपने क्या दिया, मैंने आपको बताया ये क्या, ये टैप आ गया आपके पास, क्या है ये एक टैप है। अच्छा इस टैप का काम क्या है, यहां पर आपको बताया कि जब तक ये टैप बंद रहेगा उस वक्त तक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे अभी मैंने आपको एक बोतल की एग्जांपल दी थी कि अगर बोतल का कैप अगर बंद कर दो तो उस पर आपको दबाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर एयर प्रेशर इतना ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे ही आप खोलते जाएंगे तब आपके लिए क्या होगा, उस बोतल को दबाना आसान है, क्योंकि वहां पर प्रेशर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। तो इसी तरीके से यहां पर भी जब आप इसको खोलेंगे आहिस्ते आहिस्ते, जब आप इसको खोलते जाएंगे तो यहां पर एयर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और याद रखिएगा ये जो आपके पास जितने भी आपको जो डायग्राम दिखाई जा रही है, यहां पर जो उन्होंने यानी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने इस टैप के अंदर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को रिड्यूस किया था, और काफी ज्यादा प्रेशर रिड्यूस कर दिया था। और उस प्रेशर रिड्यूस करने की क्वांटिटी कितनी रखी उन्होंने कि 0.001 मिलीमीटर तक, मिलीमीटर ठीक है ना, मीटर नहीं, मिलीमीटर तक उन्होंने क्या कर दिया था, इस प्रेशर को रिड्यूस कर दिया था। और ये कम प्रेशर के अंदर ये एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या हुआ, सही थे, पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अच्छा जी अब यहां पर हुआ क्या, इसका आपने नाम क्या रख दिया, कैथोड रखा हुआ, और उसका आपने नाम क्या रखा हुआ, एनोड रखा हुआ है। अब बहरहाल कैथोड से जब रेज निकलेंगी तो उसी का हम क्या रखेंगे, कैथोड रेज रखेंगे ना। तो यहां पर हुआ क्या कि जब उन्होंने इसका प्रेशर कम किया, पहले तो कम प्रेशर ज्यादा था तो काम कुछ नहीं हुआ, जब प्रेशर कम रखा, कितना रख दिया, 0.001 मिलीमीटर तक इन्होंने जब प्रेशर को रख दिया, और फिर साथ ही इन्होंने क्या किया, 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है ना, वोल्टेज यहां से अप्लाई किया और ऊपर से प्रेशर को कम किया, इसके नतीजे में हुआ क्या कि यहां से कुछ रेज जाती हुई नजर आई, ठीक है, यहां से कुछ रेज जाती हुई नजर आई, ठीक है, और किसकी तरफ जा रही थी, वो जा रही थी आपका एनोड के पास जा रही थी। आपको पता है जब देखिए, याद रखिएगा हमेशा कि जब दो पॉजिटिव होते हैं ना, अनलाइक जो होते हैं, जो एक दूसरे से मिलते नहीं है ना, वही आपस में क्या हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं। जो एक जैसे होते हैं वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे कि मैं आपको ये भी मालूम भी होगा कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को धक्का मारते हैं, रिपेल करते हैं ना, आपको टकराते हैं, ठीक है ना। तो अनलाइक जो होते हैं, अनलाइक यानी अनलाइक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे पर अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे की तरफ पर
घिरते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो कैथोड रेज है और एनोड रेज है दोनों आपस में क्या है, अनलाइक है। कैसे, एक के ऊपर क्या है नेगेटिव है, एक के ऊपर क्या है पॉजिटिव है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव है मीन्स के अनलाइक है, तो अनलाइक तो एक दूसरे पर अट्रैक्ट होंगे, लेकिन कुछ इनके लिए क्या है, कुछ इनके स्पेसिफिकेशन है कि आपने इतना वोल्टेज रखा 10,000 वोल्ट का वोल्टेज रखा था, 0.001 मिलीमीटर आपने क्या रखा था, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया था। इसके नतीजे में क्या हुआ कि यहाँ से कुछ रेज जाती हुई नजर आई, और इन रेज का नाम जिसने रखा था ये मैं आपको अभी नहीं बताता, सब रुकिएगा, ठीक है। यहाँ से रेज जाती हुई नजर आई और कहाँ जा रही थी, वो एनोड के पास जा रही थी, ठीक है। तो इसी का नाम, तो अभी तो फिलहाल नाम नहीं रखा गया, नाम किसी और ने रखा था, नाम मैं बता रहा हूँ आपको, ये कैथोड रेज जो नाम रखा है, ठीक है ना। अब जा रही है इसका, कहेंगे तो सही ना, कैथोड के पास से कुछ रेज जा रही है, तो नाम तो कैथोड रेज होगा, लेकिन नाम रखा किसने, जूलियस प्लकर ने नहीं रखा ये नाम, ये नाम रखा है गोल्डस्टीन ने, ठीक है, याद रखिएगा, ये नाम किसने रखा है, गोल्डस्टीन ने, बहुत मशहूर नाम है इनका भी, ठीक है। गोल्डस्टीन ने ये वाला नाम रखा है, क्या नाम रखा है, कैथोड रेज, ठीक है। आसान सी बात है क्योंकि कैथोड के पास से रेज जा रही है। अच्छा, इनकी बताई जाती है कि इनकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा, वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, और राइट एंगल में ये गई है, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब राइट एंगल के अंदर ये गई है, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल यहाँ पर ये अच्छा, अब यहाँ पर हमें किस पता लगेगा ये कैथोड रेज, तो प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह हुई है, भाई याद रखिएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको जब प्रॉपर्टीज आएंगे तो मैं आपको अलग डायग्राम, दो तीन डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा अभी, लेकिन इसके नतीजे में हुआ क्या, जब यहाँ से कुछ रेज गई है तो रेज भी क्या होंगी। देखिए, याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन को आपने कहा कि वो इनविजिबल है, नज़र नहीं आता, तो उसकी रेज कैसे नज़र आएंगी, नहीं नज़र आएंगी ना, आसान सी बात है। लेकिन ये नज़र कैसे आई आपको, मतलब एक कैसे पता लगा कि ये कैथोड रेज जा रही है, ये मतलब इस तरीके से आपको कैसे नजर आया, और वेलोसिटी भी इसकी आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बताई है। तो इसको, इसकी आपने जो है एक तरीके से वेरिफिकेशन इस तरह हुई कि यहाँ पर आपके पास कुछ ग्लो हो गया था, ये जो गिलास आपके पास है ना, शीशे का जो गिलास लिया हुआ आपने, इसके अंदर कुछ चमक सी आना शुरू हुई। कैसी चमक थी, वो ग्रीनिश चमक थी, उस वक्त की बात है जब उन्होंने किया तो ग्रीनिश चमक होना शुरू हुई, ठीक है ना। अब ये आपको कैसे पता लगेगा ग्रीनिश होगी, ब्लूइश होगी, तो वो तो आपकी जो गिलास होता है, गिलास की जिस तरीके से बनाया गया होगा, गिलास की कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। अभी फिलहाल गिलास की कंपोजिशन के अंदर क्या हुआ कि ग्रीनिश लाइट आपके पास जो है ना ग्लो होना शुरू हो गई थी, नजर आना शुरू हो गई थी। तो इसी से हमें पता लगा कि कुछ रेज जा रही है आपके पास, कहाँ से जा रही है, कैथोड से जा रही है, या आपके पास एनोड के पास जा रही है, और इनका नाम कैथोड रेज है। और आपको पता है कि जब कैथोड की तरफ से रेज जा रही है, आपको नजर भी आ रहा है ना, अच्छा कैथोड की तरफ से जब रेज जा रही है, और इस तरीके से ये नजर किस तरह हुआ, देखिए, जब यहाँ से कुछ रेज गई है ना कैथोड की तरफ से, जब एनोड के पास कुछ रेस गई है, तो इन रेस पर ही ग्लो होना शुरू हो गया था, इन रेस पर ग्लो होना शुरू हो गया था। शुरू में यहाँ पर कम था, ठीक है ना, यहाँ पर हल्का हल्का, फिर इसके बाद बढ़ता गया, फिर और बढ़ता गया। एनोड के पास जितना करीब हो रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितना करीब हो रहे हैं उतना ज़्यादा ही कम दिखा रहे हैं, ठीक है ना, और जितना दूर है उतना कम हो रहा है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया ना, जैसे कि यहाँ शुरू शुरू में कम कम है, फिर बढ़ रहा है, फिर और मजीद बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कलर कौन सा था, कलर पर आपने नहीं भेस करनी है, ग्रीनिश कलर था, ये मैं आपको बताऊंगा कब कौन सा कलर होगा, यानी एक दो लेक्चर के बाद आपको बता दूंगा। तो बहरहाल इसके बारे में अगर आपको समझ में आया तो मुझे बताएं, ठीक है। और यहाँ पर अभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई ये समझ में नहीं आई बात, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ कि आपके पास क्या लिया, आपने सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब ली थी, जिसकी लेंथ कितनी थी 30 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर कहते इसकी डेप्थ थी, ठीक है ना, यानी गहराई इसकी थी। अच्छा जी, और साथ ही आपके पास एक टैप ये कनेक्ट दिया हुआ था, और टैप क्यों दिया हुआ था इसके बारे में 3-4 मैंने बात कर ली। और यहाँ पर इसके अंदर क्या दिए हुए थे आपको, प्रोवाइड किए थे आपको मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स दिए हुए थे, और इलेक्ट्रोड के अंदर किसको कैथोड कहते हैं, किसको एनोड कहते हैं आपको बताया, और साथ ही उसको कनेक्ट कर दिया था बैटरी से, और बैटरी का वोल्टेज कितना दिया था उसको, बैटरी आपने इसको वोल्टेज दिया था 10,000 वोल्टेज दिया, और साथ ही आपने इसका प्रेशर जो था 0.00 कि कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जाती हुई रेस नजर आई। अब सवाल यहाँ पर होता है कि वो आपको नजर कैसे आई, तो इसका जवाब मैं आपको यूं दूंगा आपको कि देखिए, इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आते, आप मानेंगे ठीक है नजर नहीं आते, कैथोड रेस यानी जो इलेक्ट्रॉन से मिलकर जो रेस बनी है वो भी आपको नजर नहीं आएगी। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पर गिलास की कंपोजिशन की वजह से उन रेस पर कुछ क्या हुआ, कुछ ग्लो होना शुरू, कुछ ग्लो होना स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर पता ये लगा कि क्यों कैथोड से एनोड की तरफ कैसे जा रही है, ये हमें कैसे पता लगा। तो देखिए, यहाँ पर कुछ ये हुआ आपको, मैंने जैसे भी बताया कि ये आपके पास शुरू में क्या हुआ था, शुरू में यानी जब रेस जा रही है तो शुरू में थोड़ी सी आपके पास ग्लो कम है, फिर जब करीब हो रही है तो ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर जब बिल्कुल आपके पास एनोड के करीब हो गई यानी प्रोटॉन्स के जब करीब हो गई तो बहुत ज़्यादा ही ग्लो होना शुरू हो गया। अगर आप यूँ कहें, सवाल यूँ करें आप कि देखिए, हो सकता है कि आपके पास एनोड से लेकर कैथोड की तरफ आ रही हो, ठीक है ना, आपका सवाल ये हो सकता है, आपको तो पता है, लेकिन यहाँ पर आप सवाल जहन में आ सकता है। तो देखिए, इसका जवाब कुछ यूँ दिया जाएगा कि अगर एनोड से कैथोड के पास आती तो शुरू शुरू में कम होता, यानी राइट हैंड साइड पर कम होता, फिर इसके बाद बढ़ता, और फिर इसके बाद जाकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। जबकि हमें यहाँ पर नजर ही आया कि आपके पास शुरू शुरू में लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर कैथोड है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, शुरू में कम है, फिर इसके बाद बढ़ गया, फिर इसके बाद मजीद बढ़ गया, जिससे हमें पता लगा कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब बहुत ज़्यादा करीब हो गए तो उसके नतीजे में आपके पास क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ग्लो शुरू हो गया, और वह लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हुआ था, यानी कि कैथोड के पास से स्टार्ट
स्टार्ट हुआ था तो हमें पता लग गया कि भाई यहाँ से गई हैं और बड़ी तेजी से ये काम हुआ है, ठीक है ना। वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हाई थी, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी नहीं बताई जाती लेकिन ये कि काफ़ी ज़्यादा हाई थी और साथ ही राइट एंगल था, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारा लेक्चर है आज का, जिसके अंदर आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह हुई है, ठीक है ना। आपको पता है जब कैथोड रेस पता लग गई तो कैथोड रेस किससे मिलकर बनती है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है। तो कैथोड रेस आ गए तो इलेक्ट्रॉन तो है ही है ना, बिल्कुल ही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ से इस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं भैया, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं किसकी तरफ, आपके पास प्रोटॉन के पास जा रहे हैं, एनोड के पास, यानी कि प्रोटॉन्स के पास जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज आप जानते हैं किसका होता है, प्रोटॉन्स का होता है। तो बहरहाल ये है हमारा कुछ आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह हुई है, प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेस, कैथोड रेस क्या होती है और किस तरीके से यहाँ पर हुई है, और सारी बातें आपको यहाँ पर बताई। लेकिन अगर अभी आपको कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई कमेंट बॉक्स के अंदर इसलिए मौजूद है कि आप जाकर पूछें कोई सवाल अगर आपके जहन में हो, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैरा।